हज़रत सैयद सालार मलंग शाह कादरी ट्रस्ट की ओर से शासन और प्रशासन की मनमानी के ख़िलाफ़ 31 मई मंगलवार दोपहर 2 बजे दरबार गाजी दरगाह से RCF पुलिस स्टेशन के विरोध में रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में लोगों ने अपनी हाज़िरी दर्ज कराई। आपको बता दें कि दशकों पुराने हज़रत सैयद सालार मलंग शाह कादरी की दरगाह शरीफ को बिना नोटिस ही 10 मई 2016 के दोपहर शहीद कर दिया गया था। इसी मसले पर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए समाजवादी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रमाशंकर तिवारी ने लोगों का जनसैलाब इकट्ठा किया और RCF पुलिस स्टेशन की ओर रैली निकालने का मन बनाया। कि मैं साफ कर दूं कि 10 मई को यहाँ पर जो है बहुत बुरी तरह से दरगाह के आसपास में जितना परिसर था तोड़ा गया था। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने श्रद्धालु यहाँ पर हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। इतना बर्बरता के साथ यहाँ पर डिमोलिश किया गया। इसके बाद यहाँ पर जो है पूरा दीवार लगा दी गई और यहाँ पर जो भाविक लोग थे बिल्डरों के इशारे पर सरकार ने, MMRDA ने, कलेक्टर ने जो है पुलिस का रोब दिखा करके लोगों को जो है प्रताड़ित करने का काम किया, लोगों को सताने का काम किया। सबसे बड़े दुख की बात है कि ये यहाँ लोग पूजा करने के लिए आते हैं, नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ पर कोई जो है अलग ढंग की एक्टिविटीज नहीं होती है। उसके पहले कलेक्टर ने एक आर्डर दिया MMRDA को कि जगह का जो है देखभाल MMRDA करेगा, लेकिन कलेक्टर ने स्पष्ट लिख करके दिया था कि जितना प्रीमाइसेज है दरगाह का उसको छोड़ करके जो है इनको MMRDA को दिया जाएगा। लेकिन MMRDA ने दादागिरी करके पुलिस के दम पर, गुंडा लोगों के दम पर यहाँ पर जो है तोड़क कार्रवाई की। जब यहाँ के बाबा घास वाले बाबा उस समय यहाँ पर मौजूद भी नहीं थे, लेकिन पुलिस ने उनका भी नाम जो है FIR में दर्ज करने का काम किया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। और मैं आपको बता दूं, इसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी से मैं, हमारा प्रतिनिधि मंडल कई लोगों को लेकर के सीनियर से जब मिला, सीनियर ने कबूल किया था कि जिस समय ये सब लफड़े हुए उस समय बाबा जो है टैक्सी से वापस आए, हम लोग जब आए थे लफड़े के समय में बाबा नहीं थे। हमने फिर पूछा तो फिर आप बाबा का नाम क्यों डाल रहे हैं, बोले पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन जो है उन्होंने जो अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया। हमारी लड़ाई पुलिस आज इसी पर है, लॉ एंड ऑर्डर पर है। उन्होंने जो झूठा केस बनाया है इसके लिए हम यहाँ पर पुलिस के यहाँ जो है अपना मोर्चा लेके जा रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि जो लोग हमारे जिनको मार लगी है उनका भी CR दर्ज किया जाए, उनकी रिहाई हो, और बाबा के ऊपर जो केस बनाई गई है बाबा को बाइज्जत बरी किया जाए, उसमें FIR से निकाला जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आगे की हम लड़ाई करेंगे। हालांकि पुलिस ने इस रैली को रास्ते में ही रोक दिया और साथ ही रमाशंकर तिवारी को आश्वासन भी दिया गया कि इस मसले पर जल्द से जल्द विचार कर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। वहीं रमाशंकर तिवारी ने भी अपनी ओर से अपने बयान में कहा कि वो इस मुद्दे को इतनी आसानी से दबने नहीं देंगे और इस दरगाह की आवाज़ को सरकार तक ज़रूर पहुँचाएंगे। चेंबूर से साहिल खान की रिपोर्ट।